हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है राजेंद्र वर्मा, समाधान कॉलेज आईटी डिपार्टमेंट एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ लॉजिक गेट्स के बारे में। बेसिक लॉजिक गेट्स जो होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं, एंड और एंड नॉट। इसके अलावा और डिराइड होते हैं जिसको हम लोग दो या तीन के कॉम्बिनेशन से हम लोग और गेट्स बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं हम लोग फर्स्ट गेट्स एंड गेट के बारे में। तो एंड गेट आप लोग जानते होंगे, इसके सिम्बल्स कुछ इस तरीके से होते हैं, ठीक है। यदि हम लोग मान लो दो वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं, ए और बी, ठीक है। मान लो दो वेरिएबल्स के बारे में यदि बात करेंगे, ठीक है, तो फिर इसके लिए जो हमारा आउटपुट होगा वो कैसा होगा, ए डॉट बी। इसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं। यदि इसके लिए मैं बात करूँ ट्रूथ टेबल की, ठीक है, तो ट्रूथ टेबल ये बनाते हैं हम लोग, ट्रूथ टेबल, ठीक है। तो ट्रूथ टेबल में हम लोगों के पास इनपुट्स के तौर पे हैं दो वेरिएबल्स, यहाँ पास ए और बी। यदि ए और बी है, ठीक है, तो कोई भी इनपुट्स होंगे, इनपुट्स के लिए हमारे आउटपुट्स की कॉम्बिनेशन जो बनते हैं तो वो इस तरीके से बनते हैं, 2 to the power 2। आप यहाँ पास देख सकते हैं 2 to the power 2 यदि है, ये जो मेरे हैं वो इनपुट्स हैं ए और बी। यदि ये ए और बी जो है 2 to the power 2 है, तो इसका उसको 4 inputs 4 ways से मैं इनपुट्स जनरेट कर सकता हूँ, जैसे कि 0 0 0 1 1 0 then 1 1। ये 4 type से मैं इनपुट्स दे सकता हूँ, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग कॉम्बिनेशन देखते हैं तो ए डॉट बी होता है। मैथमेटिक्स में आप लोग डॉट का मतलब समझते हैं क्या, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहां पर 0 और 0 को मान लो मैथमेटिकली मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका आंसर आएगा 0। 0 एंड 1 को यदि मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, 1 एंड 0 को करोगे तो 0, एंड 1 एंड 1 का आपका हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से आपका जो एंड जो गेट है, एंड गेट है, तो एंड गेट का जो लॉजिक गेट्स है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। और यदि आप ट्रुथ टेबल देखेंगे तो आपको आउटपुट 0 0 0 1, इसके जो हायर बिट्स होते हैं, 1 जो होते हैं हायर बिट्स होते हैं, तो यदि हम लोग हायर बिट्स को यदि करते हैं तो हमारा आंसर 1 आएगा, ठीक है। यदि हम लोग यहीं पर अब नेक्स्ट हमारा और गेट है, ठीक है, तो और गेट के लिए यदि हम लोग इसके लिए यदि डायग्राम बनाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बनता है। इसमें भी आपके सेम वही होंगे, y इज इक्वल्स टू ए, बट यहाँ पास क्या होगा, a प्लस बी होगा, ठीक है। तो a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग ट्रूथ टेबल बनाते हैं, तो ट्रूथ टेबल कुछ इस तरीके से होगा, a प्लस बी। यहाँ पास आपके इनपुट्स वही होंगे जो आपके पहले थे, a एंड b। अब यहाँ पास जब हम लोग इसके ट्रुथ टेबल को इनपुट्स देते हैं 0 एंड 0, देन हमको क्या मिलता है, 0। यदि हम लोग 0 एंड 1 को करते हैं तो मीन्स दैट 0 प्लस यदि 1 करते तो हमको 1 मिलेगा। इसके बाद फिर आप 1 प्लस 0 करोगे देन 1 मिलेगा, 1 प्लस 1 करोगे देन आपको हायर बिट्स मिलेंगे। तो कोई भी आपका एक इनपुट जो है वो हायर बिट की तरह है तो वहाँ पर हमको 1 मिलेगा। इस तरीके से ये हो जाता है हमारा और गेट के लिए ट्रूथ टेबल। चलिए अब हम लोग देखते हैं नॉट के लिए, ठीक है। तो नॉट में क्या होता है, जो भी आप इनपुट दोगे उसका जस्ट रिवर्स होकर के आपको आउटपुट मिलेगा। मान लो मैं ए एज अ इनपुट देता हूँ तो मुझको आउटपुट के तौर पे क्या मिलेगा, ए बार, या फिर आप इसी को वाई इज इक्वल्स टू ए डेज भी बोल सकते हो, ठीक है, ए डेज भी करते हैं। तो मान लेते हैं नॉट के लिए हम लोग ट्रूथ टेबल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास इनपुट्स क्या है, एक सिंगल है, तो सिंगल या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकते हैं। तो इस प्रकार से 0 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1, एंड 1 का अपोजिट 0। तो ये हो जाएगा आपका नॉट गेट के लिए ट्रूथ टेबल। चलिए अब हम लोग इसी में कॉम्बिनेशन देखते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशंस कैसे हो सकते हैं, जैसे कि एंड से हम लोग बना सकते हैं नैंड, इसके बाद और से बना सकते हैं नॉर, इसके बाद इसी से हम लोग एग्स और बना सकते हैं, और जो आपका 7 है वो है एग्स नॉर, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं नैंड का, तो नैंड क्या है, एंड का जो सिंबल होगा इसी में आपको नॉट ऐड कर देने हैं, तो ये हो जाता है आपका नैंड।
ए देन बी वाई इज इक्वल्स टू ए डॉट बी बार, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारा ए और बी ये कुछ इस तरीके से होगा, 0 0 0 1 1 0 देन 1 1। y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि a डॉट b है तो 0 0 0 देन 1, ठीक है। तो इसके बाद फिर आपका जो y इज इक्वल्स टू a डॉट b का यदि बार करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, देखो 0 है तो 0 का 1 1 का सॉरी 0 का 1 0 का 1, देन आपका ये हो जाएगा 0। तो इस प्रकार से ये हमारा NAND का, ठीक है, यहाँ पर बोल सकते हो NAND जो होंगे NAND गेट, इसके लिए ये ट्रूथ टेबल हो जाएगा। इसी प्रकार से हम NOR का भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग NAND हम क्या करने जा रहे हैं, NOR का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा NOR, NOR के लिए इनपुट सेम होंगे 0 0 0 1 1 0 1 1। अब यहाँ पास यदि आप देखेंगे तो लोअर बिट होंगे दोनों, यदि लोअर बिट होंगे तो लोअर बिट होगा, दोनों में से कोई भी एक हायर बिट होगा तो हमको आउटपुट एज अ हायर बिट मिलने वाला है, ठीक है। तो इसी का हमको अपोजिट कर देते हैं, इसी में हम लोग क्या कर देते हैं, NOT लगाते हैं, और में NOT लगा देंगे तो NOR हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पास आपका जो 0 है वो हो जाएगा 1 और जितने भी हायर बिट्स हैं वो आपके 0 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका NOR के लिए ट्रूथ टेबल। अब हम लोग देखने वाले हैं XOR, ठीक है, XOR, ठीक है। तो XOR XOR में क्या होता है, जो भी आपके सेम सेम बिट होंगे, सेम बिट या तो लोअर बिट होंगे या तो हायर बिट होंगे, यदि दोनों बिट जो होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, तो सेम बिट होंगे तो वो आपका हायर बिट ट्रांसफॉर्म सॉरी यदि आपका दोनों यदि सेम बिट होंगे तो वो आपका लोअर बिट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और दोनों में से कोई भी एक आपका हायर बिट हो एक लोअर बिट हो, जैसे कि यहाँ पर एक लोअर एक हायर है, एक हायर और एक लोअर बिट है, तो ऐसे कंडीशन में आपको हायर बिट्स ही मिलेंगे। इसी का जस्ट अपोजिट होता है एक्स नॉर, ठीक है। तो एक्स नॉर में आपको जिसके जस्ट अपोजिट मिलेंगे ये हो जाएगा 1 0 0 देन 1। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं एक्स और एक्स नॉर को। इस प्रकार से हमारे जो लॉजिक गेट्स होते हैं इसके जो डायग्राम है, साथ ही साथ इसके ट्रुथ टेबल्स हैं। थैंक यू।